अरविंद केजरीवाल ने लोगों से चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि भारतीय सामान ही खरीदें, भले ही उनकी दुगनी कीमत देनी पड़े। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा है कि ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। पिछले एक साल में पंजाब का चुनाव जीते, गोवा में हमारे दो विधायक बने, गुजरात के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता मिली। इसके लिए गुजरात के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरात में मुझे एक शख्स ने कहा कि गुजरात में आप बैल से दूध निकाल कर ले आए। पहली बार में 5 विधायक और 14% वोट शेयर पार्टी को मिले हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार चुनाव में उतरने वाली किसी पार्टी की सरकार बनी हो, जबकि हमसे ये उम्मीद रहती है हम 2027 में सरकार बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी चुनाव में पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है, उसके लिए सबको बधाई देता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 साल पुरानी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, शायद ये पहली पार्टी है जिसकी पहली बार में सरकार बन गई। 10 साल में पंजाब में सरकार बनी और अब आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। केजरीवाल ने कहा कि मोटे तौर पर देश में 3 ही राष्ट्रीय पार्टी है, एक तो गुंडों की पार्टी है और दूसरी पार्टी की विचारधारा है भ्रष्टाचार, जिन्होंने बहुत सारे करप्शन किए। बता दें कि केजरीवाल यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में चीन आंखें दिखा रहा है और छोटे बड़े हमले करता है, हमारे जवान डटकर मुकाबला करते हैं, कईयों ने जान भी दी है, उसके बावजूद खबर आती है कि सरकार कहती है सब ठीक है, मीडिया कहती है सब ठीक है। केजरीवाल ने कहा कि सरकार चीन को इनाम दे रही है, उन्हें आंखें दिखाने की बजाय उनसे और सामान खरीद रही है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।